नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नितिन चौधरी। यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें मुजफ्फरनगर जनपद की भी एक खास सीट है मीरापुर। और इस समय हम मीरापुर क्षेत्र में मौजूद हैं और गांव का नाम है दौलतपुर, मुस्लिम झोजा बहुलिये गांव है। इसी समाज के दो प्रत्याशी भी मैदान में है, जाहिद हुसैन रुड़कली वाले आजाद समाज पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं, वहीं शानजर हैं कमेड़ा वाले बहन जी की तरफ से प्रत्याशी। गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी हैं संबुल राणा, वहीं एनडीए की तरफ से प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है। तो क्या है झोझो के मन में, किसका इनको लगता है यहाँ पर माहौल है, सीधे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? जियाउल हक जी। क्या भाई, चुनाव नजदीक है, प्रत्याशी आगे चार जी मुस्लिम, अरशद राणा भी एक प्रत्याशी है ओवैसी की तरफ से जी, संबुल राणा आ गई है, राणा परिवार की बहू है। तो क्या मूड लग रहा है झोझो का? बस सबका अपना अपना है जी, हम तो अरशद राणा को देंगे। क्या निशान है? पतंग। ओवैसी? ओवैसी को देंगे, पतंग उड़ाएंगे। हाँ जी। क्या खूबी है ओवैसी में? बहुत खूबी जी, आप क्या यहाँ बयान कर दे। अच्छा, कुछ तो देखा होगा आपने। हाँ जी, बस अपने अपनी हुआ है, हम तो अरशद राणा को देंगे पतंग। अरशद राणा को देंगे? हाँ जी, मतलब गड्ढे में डालेंगे वोट, कोई बात या जीतेंगे कोशिश करे आदमी। और कोई क्या जमानत जब्त होगी किसकी? अरशद राणा की? वो तो आगे टाइम बताएगा जी, किसकी जमानत जब्त होगी, किसकी बचेगी। अच्छा, आपके समाज से दो प्रत्याशी हैं, जाहिद हैं और शानाजर हैं जी, उनका रुख नहीं करेंगे? नहीं, हम नहीं करने का। और राणा परिवार की बहू, इनका क्या होगा? बस वो तो अपने अपने मन से सब अलग अलग देगा, हमारा तो। लेकिन आप ओवैसी की तरफ जाएंगे? हाँ जी। आपका? सुहेल। सुहेल, चुनाव आ रहा है, किधर जाएंगे? पता नहीं, जिधर भी बढ़ जाएंगे। किसका रुख लग रहा है वैसे? रुख का भी कुछ पता नहीं जी, एक सरकार का भी प्रत्याशी नहीं है। अच्छा, बीजेपी का प्रत्याशी? हाँ, लोकदल का? लोकदल का भी। तो उसका भी इंतजार कर रहे हैं जी। ये बताइए, चार प्रत्याशी आ गए हैं, जैसे संबुल राणा है गठबंधन की तरफ से, सपा की तरफ से, अरशद राणा ओवैसी की तरफ से हैं, और दो झोजे हैं रुड़कली वाले जाहिद आजाद समाज पार्टी, और शानजर हैं बहन जी की तरफ से। इनमें किसी का है रुझान चारों में? अभी तो जी कादिर राणा की तरफ ही चले, उनकी बहू है जी पुत्र वधु, संबुल राणा उसकी तरफ चल रहा है जी। आगे उसका इंडिया का जब प्रत्याशी आ जाएगा जब पता लगेगा जी। मतलब अभी प्रतीक्षा है, अगर कोई प्रत्याशी मनपसंद आ जाता है तो उधर भी जा सकते हैं। हाँ, अभी कुछ पक्का वो नहीं है जी, लेकिन इन चारों में संबुल राणा लग रही है आपको? अभी तो उधर अभी ही तक है। अभी तक जी। जी, क्या नाम है आपका? दानिश। दानिश, क्या लग रहा है चुनाव में, किधर जा रहे हैं झोजे? राणा की तरफ जी। राणा की तरफ जा रहे हैं जी। क्या खूबी है राणा में? जी खूबी खूबी उसमें एक अध्यय तो बताओ बताइए। अब मैं कौन सा लिख कर रहा हूँ? अच्छा, मतलब पसंद है आपको राणा? पूरा पसंद है। झोजे हैं आप? हाँ जी। आपके समाज से भी लड़ रहे हैं दो झोजे, उनको छोड़ देंगे? हाँ, छोड़ देंगे, छोड़ दिए। संबुल राणा? संबुल राणा ये बस। और ओवैसी की तरफ से बोल रहे थे भाई साहब, अभी ओवैसी का रुख करेंगे तो ये दे लेंगे ओवैसी का, मतलब देने अपने ओवैसी। टक्कर किससे होगी? टक्कर के हिसाब, मतलब नोट करने से मतलब है कादिर राणा को देना बस। जीत रहे हैं कि हार रहे हैं? जीत रहा है पक्का। जीत लग रही है तय? पक्का बिल्कुल। सभी समाज की वोट मिलेंगे झोझो की या कुछ लोग हैं? बहुत समाज की मिलेगी, झोझो की नहीं, बहुत की, सभी समाज की। हाँ। उन्हीं से मुकाबला है जी। क्या नाम है आपका? समीर। क्या लग रहा है समीर जी? सही लग रहा सर। किधर जाएंगे झोझे जी? राणा। राणा जी, राणा परिवार की बहू जी। अब तो अजी संबुल राणा जी, संबुल राणा को वोट देगा हम। संबुल राणा, राणा परिवार की बहू। हाँ जी। और आपके समाज से जो प्रत्याशी हैं शानजर हैं और ये जाहिद है, इन्हें तो वोट देगा, खराबी करना जो। और ओवैसी के भी हैं कुछ समर्थक, उसे भी देगा खराबी करना। जैसे ओवैसी की पार्टी है पतंग से, टक्कर तो जी आरएलडी की और क्या नाम समाजवादी की है जी, और कोई बीच में नहीं आना। मतलब राणा परिवार की टक्कर है जिसे भी होगी। हाँ जी। प्रत्याशी तय नहीं हुआ अभी लोकदल का? हाँ जी। मतलब टक्कर उसी से होगी, उसी से कोई भी आ जाए। तो मुस्लिम समाज का वोट बिखर रहा है या इकट्ठा जाएगा? जिसे अपना वोट खराब करना हुआ तो किसी को भी दे लो। अच्छा भाई, जाहिद का कैसा मामला लग रहा है? जाहिद को तो यहाँ से लगभग 10 वोट मिल सकेगा पूरे गांव से। हाँ जी। वोट ही नहीं है? नहीं। शानजर को? उसे तो 10 भी नहीं मिला। अच्छा। और ओवैसी की पार्टी? ओवैसी को तो बस 2-4 ही मिल सकेगा, जैसे अभी जी नहीं दे सकेगा जी, हम भी देना। अच्छा, वोट खराब करना ये दे सकेगा, खराबी है गड्ढे में गिरेगा अपना वोट, हमने गिरने का। कम से कम वोट ऐसी जगह तो दो जो टक्कर हो, जहाँ वोट कामयाब हो। कादिर राणा से हमें पहले ही लगाव है जी, बहुत साल पहले से। यहाँ बोलना तो हत्ती वाले क्यों दी थी, कामयाब हो गई थी, सामने दी थी पूरा। हमने तो हत्ती को नहीं दी जी, हमने तो नहीं दी। ये तो कह रहे हैं कि आप ओवैसी की, आप तो वोट खराब करेंगे ओवैसी। नहीं, मेरी खराब हो कुछ हो, लेकिन हत्ती को देखे क्या करा है बताओ, ये बता दो आप। सबने हत्ती को दिए थे झोझो ने, यहाँ भी दौलतपुर भी चारा वाले भी, सबने वो कहा वे गड्ढे में नहीं गए, कहाँ गए भाई वे। ये तो कह रहे हैं कि वोट खराब करेंगे लेकिन जाएंगे। गड्ढे में गिर गई तो
आदमी को गलती है भाई साहब। अब जो हमें टक्कर लग गई, अब नहीं आज के बाद ये तो पतंग उड़ाएगा तो पतंग की डोर कटगी। पतंग तो दुनिया उड़ा है, काट भी तो दे, ऐसा थोड़ी कटना कट नहीं है, वो तो आगे किस्मत की बात है, मेहनत करना अपने बस की बात है जी जी, वो तो फल देना उसको ऊपर वाले का हाथ में है। ये तो बेकार हो गई है, अगर बेकार भी होगी हो जान दो, कोई बात नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो पता चलेगा। नहीं हमने देखा आज तक, कोई बात नहीं, अगर देख दे दो हम तो वही देखे, वो तो टाइम पे पता चलेगा, 10 है 20 है 50 है कितनी वोट है लगभग, जो भी होगा वो तो टाइम पे पता चल जाएगा जब खुलेगा। आप भी दावा कर रहे हैं ना, ये तो कह रहे हैं सारा जी, ज्यादा से ज्यादा आगे इतनी हमारी कोशिश होगी, हम दिवागे 10 तो हमारे घर की है, 10 बताइए, 10 हमारे घर की जी, ओवेसी पे, ओवेसी पे 2-10 हो रही होगी यहां पे। क्या खूबी है ओवेसी में? अच्छी बात है जी। क्या खूबी है ओवेसी में? बढ़िया है जी, बढ़िया है। हाँ जी, ये तो कह रहे हैं वोट खराब कर रहे हैं ओवेसी को, खराब नहीं होगा, असर तो वोट है, वोट करेंगे, वोट होगा, वोट है, परिवार का तो है। हाँ चलो कोई बात नहीं, अजी जिसे जहाँ देने हैं वो, जिसे वोट खराब करनी है वो तो दे लो कहीं भी, टक्कर जो है वो RLD और क्या नाम समाजवादी की है जी, यहाँ इन्हीं की टक्कर है, इन्हीं की टक्कर ना भी। 2024 के चुनाव में वोट कहाँ दी थी बता, 2024 में हमने उसे ही दी थी जिसे जो बोला हत्ती को, पर हमें अब हमें अब जब टक्कर लग गई जी, जब नहीं खराब हुई थी 2022 में कहाँ दी थी मनव्वर हसन, मनव्वर चुनाव नहीं, है 2022 में कहाँ दी थी वो, ठीक है। ये बताइए क्या लग रहा है इस बार किधर जा रहे हैं जोचे? हम तो जीत रहे हैं जी। किसको जिता रहे हैं? RLD को, RLD के सपोर्टर हैं। हाँ अच्छा, प्रत्याशी तो कह नहीं हुआ भाई, प्रत्याशी तो आया नहीं RLD का जी, प्रत्याशी तो जब आओगे आ जाएगा, हम तो बिल्कुल तैयार बैठे है, चलो दल को वोट करेंगे। ये बताया चर्चा चल रही है की राजपाल सैनी या अजीत राठी में से, राजपाल सैनी अगर आ गया फिर तो चुनाव बिल्कुल एक तरफ ही होगा। अच्छा, अगर अजीत राठी आ जाते हैं, देखो RLD चुनाव तो जीत रही है, RLD जीत रही है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? राणा जैसा परिवार मैदान में है, अजी राणा परिवार है, पैसे वाले भी हैं, राणा परिवार पैसे वाला भी है, राजनीतिक भी है, लेकिन ये दो जोजे भी दो तरीके इनका क्या होती इनका, ये तो 10 वोट नहीं मिलेंगे अजी, नू कहने से कुछ होगा, 5-7 हजार वोट तो जब भी ले जाओ, क्या नाम जो है शाहनवाज कुरैशी ले गया था, कितने वोट ले गया था, कोई चुनाव था कोई कहीं डिमांड थी बस पगी, वोट नहीं ले गया था, हमारे गांव में से भी ले गया था, तो ये बताइए तो वोट तो सब लेके जाके जाहिर पे भी है जोजे आपके यहाँ से? हाँ जी बिल्कुल है, हर गांव में से है, चाहे उसके रिश्तेदार रिश्तेदारी हो, शाहनगर पे कम है, जाहिद पे ज्यादा, जाहिद पे ज्यादा है, तो दावा कर रहे हैं नगीना की तरह के दलित प्लस मुस्लिम मिलेगा हमें, अजी चंद्रशेखर की तरफ से नहीं मिलना, चंद्रशेखर को नहीं मिलेगा, दलित समाज मुस्लिम ही मिलेगा, जो मिलेगा चंद्रशेखर को जो वोट मिलेगा मुस्लिमों को मिलेगा, दलित के तो मिलेगा, किधर जाएंगे वे तो भाजपा पे जाएंगे, भाजपा पे जाएंगे, आप लग रहा है? हमें लग रहा नहीं, हर साल जाते हैं जी, नगीना में तो जीत गए हो, नहीं चंद्रशेखर आजाद नहीं, नगीना जी एक सीट पे जीतने क्या होता है, जगह चंद्रशेखर आजाद तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, वे तो बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे, कोई जाहिद हसन संघर्ष थोड़ा ही कर रहा, सकल तो देखिए जब चुनाव आए, ये नुकसान हुआ मतलब सक्रिय नहीं थे ये, अजी सक्रिय क्या है तो पता नहीं था, चुनाव लड़ गए भी कभी जीवन में, आगे पता नहीं कहां जाने को चुनाव लड़ रहे हम, तो इसी का नुकसान हो रहा है इन्हें, नुकसान तो हो गए जी। क्या जैसे चुनाव नजदीक आता है क्या जोजे जुड़ेंगे इनसे? जोजे नहीं जुड़ने की जी, जोजे तो इन पर 5-7 हजार वोट जा सका है, बाकी जोजे तो वोट देगा राणा कोई, मतलब टक्कर संबुल राणा से है, संबुल राणा से ही है, और तो सभी है, तीसरे चौथे पांचवे नंबर के कैंडिडेट हो, और ओवेसी, ओवेसी कुछ वोट जा गई है, बिल्कुल जा गई, ये तो कह रहे नील है ओवेसी, ऐसा कुछ नहीं है जी, उनके तो वोट है 10 वोट हमारे घर में, 10 के 10 ओवेसी पे जाके, ये उसका सगा भाई होगा छोटा, इन मना कर देना हम नहीं देंगे ओवेसी वोट, 10 में से एक तो घट गया किसी घर वाले का, 2 घट गए ऐसे ऐसे घर घट जाएंगे, वोट नहीं जाने का इसमें, अजी ओवेसी पर वोट देखो हम तो देने के नहीं, जिसे वो तो अपना अपना अधिकार है, ना हमने आज तक दिया, हमने वोट भी भाजपा को दिए, ठीक है, अधिकार है भाई है तो क्या है, अरे क्या नाम जो है भाई भाई तो चुनाव भी लड़े आपस में, आमने सामने चुनाव नहीं लड़े, अधिकार है बताओ लड़ देने का, बिल्कुल, अब क्या नाम जो है RLD बिल्कुल एक तरफ जीत रही है, इसमें कोई बस कैंडिडेट डिक्लेयर होने की देर है, रही बात टक्कर की, जो थोड़े बहुत वोट लेके जाएगा तो उसने नंबर पका दे राणा और सभी, मतलब लड़ाई दूसरे नंबर की है बस, अब बस पहले नंबर की कोई लड़ाई नहीं, पहले नंबर की कोई लड़ाई, मुस्लिम में बट रहा है आपस में, बिल्कुल बट रहा है, ऐसा लग रहा है बट रहा, वोट बट रहा है मुस्लिम का, इकट्ठा जाएगा, इकट्ठा जाएगा सब। अच्छा बताइए
टक्कर संबुल राणा से है। ये तो ये कह रहे हैं लोकदल जीत रही यहाँ से, जी संबुल राणा जीतते हैं यहाँ से बिल्कुल। मुस्लिम वोट तो बढ़ रहा है आपस में, अरे कहीं नहीं बढ़ रहा, इन्होंने कहा था वोट वहां जाके ना मना कर दी, इसका बहन ये तो इनका विचार ही नहीं बना। किसको जी, हमने तो पहली बार नाम सुना है इनका, यहाँ से बिरादरी के तो हैं, झोजे तो हैं, हमने पहली बार नाम सुना जी इनका, कहीं चाहे बिरादरी हो चाहे नकार देंगे इनको अपनी बिरादरी के, तो कुछ है छोड़ देंगे, छोड़ दिए कादिर राणा है बस, यहाँ तो राणा ही है बस, जो भी है अपने को नहीं देखेंगे नहीं। अब पलट दे, अफान अफान क्या लग रहा है, कादिर राणा को देखे जो समूल राणा लड़ रही है जी, और झोजे जो लड़ रहे हैं तो ये इन्हें दे रहे हैं, इनको छोड़ रहे हैं जी। क्या खूबी है राणा में, राणा पुराने लिंक है उनसे, अच्छा मतलब पहले से ताल्लुकात हैं जी, जैसे विधायक रहे हैं यहाँ 18 महीने, तो इसलिए उनकी तरफ जा रहे हैं जी। गाँव में कैसा माहौल है पूरे गाँव में भी कादिर राणा। तो ये थे मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम झोजा मतदाता, इनका साफ कहना है कि जो लड़ाई है वो राणा परिवार की बहू और लोकदल के पीछे होगी। वहीं कुछ इक्का दुक्का जो वोटर से वो कह रहे थे कि वो पतंग भी उड़ा सकते हैं, वहीं कुछ कह रहे थे कि झोजा समाज की तरफ से जो प्रत्याशी हैं जाहिद और शानदार, उनका भी कुछ लोग रुख करेंगे, लेकिन जो मुख्य मुकाबला होगा वो राणा और लोकदल के बीच होगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, नमस्कार।